हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एचएस वारी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने रेडमी वाई 3 मोबाइल फ़ोन में सिस्टम ऐप्स को कैसे डिसेबल कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि मैं रेडमी वाई 3 मोबाइल फ़ोन यूज कर रहा हूं। इसके लिए दोस्तों चलता हूँ सेटिंग में, अबाउट फ़ोन में। आप देख सकते हो यहाँ पर रेडमी वाई 3 मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। इस मोबाइल फ़ोन में आपको सिस्टम ऐप्स को कैसे डिसेबल करना है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको जाना होगा अपने मोबाइल फ़ोन की ऐप्स में, सेटिंग में आपको यहाँ पे ऐप्स करके मिल जाएगा। आप देख सकते हो मेरी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर दूसरे नंबर पे लिखा रहा है ऐप्स। ऐप्स में जाने के बाद दोस्तों आपको जाना है सेकंड ऑप्शन, मैनेज ऐप में। मैनेज ऐप में दोस्तों आपको, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि आप सभी ऐप्स को डिसेबल नहीं कर सकते, कुछ ही सिस्टम ऐप्स को आप डिसेबल कर सकते हो। तो जैसे कि चलिए मैं ये फर्स्ट ऐप खोल देता हूँ। तो दोस्तों जो आपने इंस्टॉल कर रखी है ऐप्स, उनको तो आप उनमें डिसेबल का ऑप्शन नहीं आता, उनको आप अनइंस्टॉल ही कर सकते हो। लेकिन जो सिस्टम ऐप्स है, आप देख सकते हो इसको आप डिसेबल नहीं कर सकते, ये सिस्टम की तरफ से है, ये इंपोर्टेड ऐप है और आप इसको डिसेबल नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐप्स है जो सिस्टम ऐप्स हैं, आप उनको डिसेबल कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पर कुछ दिखा देता हूँ आपको, एक आधी आप देख सकते हो ये ऐप्स है, ये फेसबुक ऐप इंस्टॉल करके ऐप है दोस्तों, ये सिस्टम की ऐप है। आप इसके नीचे देख सकते हो डिसेबल लिखा आ रहा है, आप जैसे डिसेबल करोगे तो ये डिसेबल्ड हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे ये डिसेबल हो गया। तो ऐसे दोस्तों आप अपने मोबाइल फ़ोन के सिस्टम ऐप्स को डिसेबल कर सकते हो अपने रेडमी वाई 3 मोबाइल फ़ोन में। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।